हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ट्रू कॉलर जो है वो हमारे नंबर, जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हमारा नाम और नंबर जो है वो दूसरे को बता देता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम या नंबर, मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं और उनका कोई भाई भाई उनका फ़ोन उठा लेता है और ट्रू कॉलर पे वो आपका देख लेता है कि नाम या क्या है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। या आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान छुपी रहे और ट्रू कॉलर आपके नाम को पता ना कर पाए और ना ही आपके नंबर को पता कर पाए, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि किस तरह से एक सेटिंग करने के बाद आपका नाम और नंबर जो है वो ट्रू कॉलर भी नहीं बता पाएगा, चाहे किसी के फ़ोन में ट्रू कॉलर है चाहे नहीं है। तो वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देखिए जब गूगल ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, देखिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि आप ठीक से इसको समझें। अब यहाँ पर हमें लिखना है ट्रू कॉलर, देखिए ट्रू कॉलर और अनलिस्ट। देखो आपको पहले ये दिख रहा होगा पहले नंबर पर ही ट्रू कॉलर अनलिस्ट, अब हमें यही लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए ट्रू कॉलर अनलिस्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए हाउ डू आई अनलिस्ट माई फ़ोन नंबर। ठीक है, अब यहीं पे हमको क्लिक करना है, इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ये डायरेक्ट हमें जो ट्रू कॉलर की ऑफिशियल साइट है यहाँ पर हमें लेके आ गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो नीचे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक हमें एक एड्रेस बताया गया है, यहाँ पर देखिए ये www.truecaller.com/unlisting। आप चाहें तो इधर डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी इसी तरह से यहाँ क्लिक करना है। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर और नाम ट्रू कॉलर पता ना कर पाए और आपकी पहचान जो है वो गुप्त रहे, तो आप इस तरीके को ज़रूर आजमाइए। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर डालने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बताया गया है कि कंट्री कोड भी लिखना है आपको और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए पहले कंट्री कोड हम यहाँ पर अपना डालेंगे, तो कंट्री कोड हमारा क्या है, +91। ठीक है, क्योंकि इंडिया का कोड जो है वो +91 है, तो यहाँ पर हम अपना कंट्री कोड डाल देते हैं +91 और उसके बाद हम अपना नंबर लिख देते हैं। देखिए मैं अपना यहाँ पर नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर दिया है और उसके बाद ये जो नीचे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको ये टिक मार देना है, मतलब इसको चेक कर देना है। देखिए मैंने इस पर टच कर दिया है, अब ये मतलब ये कैप्चा जो है कोड वो रिफिल हो जाएगा। अब आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं कि मेरा ये लिखा हुआ आ रहा है अनलिस्ट फ़ोन नंबर का, ये ऑप्शन है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है, मुझे पूछा गया है कि आर यू श्योर कि आप चाहते हैं कि आपका नंबर ट्रू कॉलर से हटा दिया जाए, तो हमें हटाना है अपना ट्रू कॉलर से, तो हमें इस पर सेकेंड नंबर का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर एक मैसेज आ गया है, ये देखिए कि यहाँ पर जो है मैसेज आ गया है कि हमारा जो नंबर और नाम है वो ट्रू कॉलर से हटा दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन ये ज़्यादातर केसों में उसी वक्त हट जाता है जब हम इसको करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप ट्रू कॉलर से अपना नाम हटा सकते हैं और ट्रू कॉलर भी आपके नाम और आपके नंबर को नहीं पहचान पाएगा। तो अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।